सरकार इनको दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप जो है वो ले रही है, ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो कल जो हमने सुझाव पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही सुझाव होंगे। भाई सिंपल सी बात है, जो इनकी दिक्कत है सरकार भी बेटा वही करेगी जो इन ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पैसे की दिक्कत, कच्चे माल की दिक्कत, मार्केटिंग की दिक्कत, प्रतियोगिता की, यही सब चीज़ें सरकार भी दूर करेगी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों कंबाइंड होके आते हैं 15 नंबर का, कि भाई इनकी समस्याएं बताइए और सरकार इनको दूर करने के लिए क्या क्या कर रही है। तो सुझाव ये वाले लिखने हैं, वो वाले सुझाव नहीं लिखने हैं अगर वो सरकार के पूछे तो। सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार इनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है, उपाय वही हैं मोस्टली जो हमने कल प्रॉब्लम्स में पढ़े थे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मंडलों व निगमों की स्थापना, बोर्ड और कॉरपोरेशन की स्थापना। कह रहा है सरकार ने महत्वपूर्ण लघु उद्योगों की समस्याओं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए क्या करें, कई सारे बोर्ड्स और कई सारे क्या कर दिए, कॉरपोरेशंस जो है इस्टेब्लिश कर दिए। ये जितने भी हैं जैसे कि लाइक अखिल भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, ऐसे कई सारे बोर्ड्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, लघु और कुटीर उद्योग जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए ये बोर्ड्स बनाए गए हैं, ताकि लघु और कुटीर उद्योग जो जो भी प्रॉब्लम फेस करें वो प्रॉब्लम जो है ये दूर हो जाए। ये इतने सारे क्यों हैं, जैसे हर बोर्ड का एक अलग ऑब्जेक्ट है, एक अलग प्रोडक्ट से लिंक होया हुआ है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो ये रेशम से है, ये खादी से है, ये नारियल से है। तो ये इतने सारे बोर्ड इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्या हो गई, क्योंकि लघु उद्योग कई टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हर बोर्ड एक अलग लघु उद्योग को देखेगा, पर्टिकुलर उसी टाइप के गुड्स के अंदर जो लघु उद्योग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको दूर करेगा। तो सरकार ने ये किसने इस्टेब्लिश किए हैं, ये सरकार ने इस्टेब्लिश किए हैं कि भाई जो भी लघु उद्योग प्रॉब्लम फेस कर रहा है आप उनको दूर कीजिए। तो सरकार का जो सबसे पहला स्टेप है लघु उद्योगों की प्रॉब्लम को दूर करने का, वो ये है कि सरकार ने बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश किया है। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी वो है बेटा पैसे की। पैसे की इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से ये कच्चा माल, अच्छी नई तकनीक, इन सब का जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सरकार ने इस तरफ देखा कि भाई इनको तो पैसे की भी दिक्कत है। तो सरकार ने लघु उद्योगों को साख सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। इन उद्योगों को सहकारी ऋण समितियां, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, राज्य वित्त निगम, राज्य सरकार के उद्योग, इनसे क्या होती हैं, साख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लघु उद्योगों को एक प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य वित्त निगम इनको 10,000 रुपये से 30 लाख रुपये तक के ऋण मध्यम व दीर्घ अवधि के लिए प्रदान करती है। लोन की अलग अलग कैटेगरी होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो सरकार ने कई सारे सोर्सेज इनके लिए ओपन कर दिए, जैसे 3-4 दिन ने ऊपर ही बता दिए, सहकारी ऋण समितियाँ, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक एंड क्या कहते हैं, राज्य सरकार के राज्य वित्त निगम। ये सारे क्या करते हैं, लघु और कुटीर उद्योग को चीप रेट पे क्या करते हैं, लोन उपलब्ध कराते हैं, ताकि ये अपनी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडल टर्म जो भी इनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। 1960 में रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई साख गारंटी योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को बड़ी मात्रा में ऋण और एडवांस प्रदान की जाती है, जिस पर ऋण संस्थाओं व वाणिज्य बैंकों द्वारा इन इकाइयों को दिए गए ऋण पर रिजर्व बैंक गारंटी प्रदान करता है। मतलब कि बेटा लोन लेने के लिए गारंटी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ गिरवी में रखना पड़ता है।
तो वो गारंटी कौन लेगा? रिजर्व बैंक। इस योजना के अंतर्गत मार्च 1990 तक 16,826 करोड़ रुपए के ऋण एक्सेप्टेड किए गए हैं। मतलब कि कहीं से भी लोन लेने के लिए हमें भैया कुछ गिरवी कुछ गारंटी देनी पड़ती है। तो यही दिक्कत है जिनकी वजह से कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जिनको पूरा करना पड़ता है और लोन नहीं मिल पाता। तो इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक स्कीम को लागू किया जिसको साख गारंटी योजना कहते हैं, जिसकी गारंटी रिजर्व बैंक देगा। और ये सब जितने भी हमने ऊपर बात करे हैं, ये सब इनको क्या करेंगे, लघु उद्योगों को लोन देंगे। और इसी योजना के अंतर्गत इतने करोड़ रुपए का लोन लघु उद्योगों तक पहुंचाया गया है। तो दूसरा जो स्टेप है सरकार का, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, ये इतना कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको ये लिख देना है साख सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो दूसरा जो स्टेप है सरकार का वो है भाई पैसे की दिक्कत थी तो सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया। सरकार ने कई सारी समितियां कई सारे बैंक्स इनको बोला कि भैया आप इनको चीप रेट पे क्या करिए, इंटरेस्ट लोन उपलब्ध कराइए। और रही बात गारंटी की, वो रिज़र्व बैंक से ले लीजिए, वो रिज़र्व बैंक आपको देगा। तीसरा जो सरकार ने इनकी सहायता के लिए किया है, इनको कच्चे माल की भी दिक्कत है, रॉ मटेरियल इनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो सरकार ने इस चीज़ को ठीक करने के लिए कच्चे माल के आवंटन में लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई आयात निर्यात नीति के अंतर्गत लघु उद्योगों को कच्चे माल का आयात करने के लिए अनेक रियायतें दी गई हैं तथा अनेक वस्तुओं को सामान्य अनुसूची में शामिल किया गया है। बेटा जब भी हम कहीं से दूसरे देशों से आयात निर्यात करते हैं तो बेसिकली आयात अगर जब करते हैं तो बेटा टैक्स तो लगता ही लगता है, और टैक्स लगता है तो भाई फिर उससे वो गुड्स महंगा हो जाता है। तो सरकार ने क्या करा, 1988 के 1991 की बात चल रही है इस टाइम पीरियड की, सरकार ने उस टाइम पीरियड पे इनको कच्चा माल वगैरह बहुत ही आसानी से उपलब्ध किया जा सके तो नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत इनको प्रायोरिटी दी गई कि भाई अगर कोई भी लघु उद्योग दूसरे देशों से कुछ भी कच्चा माल आयात करना चाहता है तो जैसे एज कंपैरिजन टू दूसरे उस पर टैक्स लगता है, इन पे या तो टैक्स लगाया नहीं जाएगा या बहुत ही कम उससे आयात पे टैक्स लगाया जाएगा, इतना टैक्स नहीं लगाया जाएगा जितना हम सबसे लेते हैं। राज्य लघु उद्योग निगम को यह दायित्व सौंपा गया कि वह लघु उद्योगों को कच्चे माल का आवंटन करे। राज्य लघु उद्योगों को एस्टेब्लिश किया गया कि जितना भी रॉ मटेरियल वगैरह है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी लघु उद्योगों तक पहुँचे। वर्तमान में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कच्चे मालों को बफर स्टॉक निर्मित किया है जिससे कि लघु उद्योगों को इनकी नियमित पूर्ति कराई जा सकती है। सरकार ने लघु उद्योगों को कच्चे माल की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जैसे हमारे लिए बेटा सरकार करती है, जैसे मैंने आपको हमने कृषि वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि सरकार किसानों से क्या करती है, सरकार किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फसल को खरीद के फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हमको प्रोवाइड कराती है गेहूँ चावल चीनी दालें ये सब चीज़ें। तो बिल्कुल इसी तरीके से सरकार इनके साथ भी कर रही है, सरकार ने बफर स्टॉक ही बना दिए इनके रॉ मटेरियल के, और इन बफर स्टॉक का जो रॉ मटेरियल है वो राज्य लघु उद्योग निगम के माध्यम से अनेक लघु उद्योगों तक कच्चा माल जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो सरकार ने रॉ मटेरियल का एलोकेशन हो सके सही तरीके से हो सके, सभी लघु उद्योगों के पास कच्चा माल वगैरह जा सके, उसके लिए सरकार ने बफर स्टॉक ही इस्टेब्लिश कर दिए ताकि किसी भी लघु उद्योग को कच्चे माल की दिक्कत ना हो। अगली दिक्कत इनकी टेक्नोलॉजी की है, मशीनरी की दिक्कत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कल कि भाई जो लघु उद्योग होते हैं वो तो मशीनों का यूज़ करते हैं, चलो कुटीर एक बार को नहीं करते लेकिन लघु तो करते हैं, लघु को तो मशीन वगैरह चाहिए क्योंकि उनमें तो बंदे भी ज़्यादा होते हैं और फिर मशीन का यूज़ भी करते हैं बिजली का भी यूज़ करते हैं, लेकिन भाई फिर पैसा चाहिए इस चीज़ के लिए, पैसे की स्थापना तो कर दी। सरकार ने लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता में लघु उद्योग सेवाएं
संस्थाएं की स्थापना की गई है, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स। ये क्या करेंगे, ये इन लघु उद्योगों को, ये सब मेट्रो सिटीज़ हैं बेटा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इनर क्या करें, इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करें जो कि लघु उद्योगों को क्या करेंगे, जो कि लघु उद्योगों को टेक्निकली हेल्प करेंगे अगर किसी भी लघु उद्योगों को टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। इनके अतिरिक्त 16 उद्योग विस्तार सेवा संस्थाएं, 27 शाखा संस्थाएं और 48 विस्तार उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था की गई है। ये संस्थाएं लघु उद्योगों को उत्पादन विधियां सुधारने के, आप किस तरीके से काम करते हो उसके अंदर अगर कुछ चेंज लाने की रिक्वायरमेंट है तो क्या क्या चेंज आने चाहिए, जिस मेथड का आप यूज़ करते हो वो मेथड सही नहीं है, सही तरीके दूसरे मेथड का यूज़ कीजिए, अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, मशीन कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कच्चा माल प्राप्त करना, पूंजी प्राप्त करना, स्टाफ प्रशिक्षण, ये सब इन सब चीज़ों में क्या करती हैं ये इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीज़ों के अंदर इनकी हेल्प करते हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी लघु उद्योग कोई भी टेक्निकल इशू फेस कर रहा है, चाहे वो मेथड हो या वो कोई भी मशीन हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो, या स्टाफ को ट्रेनिंग देनी हो, कुछ भी हो, तो वो जो है ये सारे के सारे जो यहाँ पे स्टेब्लिश किए गए हैं स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन, ये इनकी हेल्प करते हैं। तो ये भी सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। पांचवा जो पॉइंट है वो है औद्योगिक बस्तियाँ। औद्योगिक बस्तियों का क्या मतलब होता है, औद्योगिक बस्तियों का मतलब ये होता है लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने अनेक औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की है। इन बस्तियों में लघु उद्योगों के लिए भूमि, इमारत, मशीन, शक्ति, परिवहन आदि की सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका क्या मतलब होता है इंडस्ट्रियल इस्टेट्स का, इसका ये मतलब होता है कि सरकार क्या करती है, एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करती है, एक पर्टिकुलर जगह पे ही इंडस्ट्रियल एरिया बना देती है मान लीजिए, और उस एरिया के अंदर लघु उद्योगों को जो जो चीज़ें चाहिए, लाइक मशीन चाहिए, पावर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, लैंड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए लघु उद्योगों को, ये सारी की सारी चीज़ें सरकार क्या करती है एक ही जगह पे उपलब्ध करा देती है, और वो भी रियायती दरों पर, मतलब वो भी बहुत ही सस्ते दरों पर, ताकि लघु उद्योग ये सारी की सारी सुविधाएं बहुत ही सस्ते रेट पे उपलब्ध हो सकें और उनके उत्पादन में किसी भी तरीके की कोई रुकावट जो है नहीं आ सके। तो औद्योगिक बस्तियों का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही सारी की सारी सुविधाओं को एक ही साथ उपलब्ध करा देना, इसलिए इसको औद्योगिक बस्तियाँ कहा गया है। इंडस्ट्रियल एरिया भी कह सकते हो आप कि भाई इस एरिया के अंदर, इस लोकेलिटी में सारी की सारी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज जो भी उनको चाहिए वो सब इनको यहाँ पे एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाएगा, और वो भी बहुत ही सस्ते उस पे। इसके अलावा सरकार ने जो है जिला औद्योगिक केंद्रों की जो है स्थापना करी है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, ये वे फाइनेंशियली हेल्प करते हैं बेसिकली। 1977 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश में जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गई थी, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं 1977 की जब हम पढ़ रहे थे। इन केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य जिला स्तर पर लघु उद्योगों के लिए सभी आवश्यक सेवाओं की एक ही संस्था द्वारा व्यवस्था करना है। ये केंद्र निम्न कार्य करते हैं, ये क्यों स्टैब्लिश किए गए थे, क्या इनका काम है, इनका काम है जिला के साधनों का आर्थिक सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, सर्वेक्षण का मतलब सर्वे, मशीन उपलब्ध कराना, इक्विपमेंट उपलब्ध कराना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, पैसा, विपणन, प्रबंध, अनुसंधान, ये सब का काम जो है ये करता था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। मतलब एक ही सेंटर क्या करेगा, लघु उद्योगों को जितनी भी चीज़ें चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए सारी लिख देने, पैसे की, मशीन की, बेचने की या रिसर्च की, किसी भी चीज़ की, कुछ
कोई भी टेक्निकली कुछ भी वो चाहिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है इनकी हेल्प करते थे जिला स्तर पर उसी लोकेलिटी के अंदर। इस समय जिला औद्योगिक केंद्रों की संख्या इतनी है जो 431 जिलों का कार्य देख रही है, 422 हैं और 431 देख रही हैं। मतलब मोस्टली हर एक जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो तो है ही है, जो उस जिले के अंदर जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको देखने का ये काम करते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी उससे रिलेटेड हो। तो ये सरकार ने स्टेप लिया है। इसके अलावा विपणन सहायता, बेचने की दिक्कत है, इनका माल बिकेगा कैसे, तो लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री और वितरण के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं कि कैसे इनके गुड्सों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाए, अपने देश के अंदर भी दूसरे देशों के अंदर भी, कैसे होगा ये। तो सरकार ने क्या करा, 1949 में सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रियल एम्पोरियम की स्थापना की, जो कि क्या करेगा, ये एम्पोरियम देश और विदेश में कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित माल के विपणन में सहायता देता है। ये लघु और कुटीर उद्योगों का माल कैसे अपने देश के अंदर और अपने देश के अलावा दूसरे देशों के अंदर भी कैसे हम इसको बेच सकते हैं, उसके ऊपर जो है ये काम करता है। विभिन्न राज्यों में भी कुटीर उद्योग एम्पोरियम की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम समय समय पर प्रदर्शनियों, समारोह व विक्रय केंद्रों की स्थापना करता है, एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट करता है कि भाई हमें लघु उद्योगों से सामान खरीदना चाहिए, इनके बने हुए गुड्सों को खरीदने से ये फ़ायदा है, तो लोगों को अवेयर करने के काम करते हैं कि आखिर हमें इनके गुड्स क्यों खरीदने चाहिए। प्रदर्शनी मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह। लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बड़े उद्योगों द्वारा खरीदे जाने पे 15% का मूल्य अधिमान दिया जाता है। मतलब कि जो भी लघु उद्योग माल बना रहे हैं, तो वो बेसिकली अगर एज अ रॉ मटेरियल बड़े पैमाने के उद्योग यूज़ कर रहे हैं और बड़े पैमाने के उद्योग अगर उसको ख़रीद लेते हैं, तो ये कह सकते हो 50% 15% का डिस्काउंट उनको दिया जाएगा अगर कोई भी बड़े पैमाने का उद्योग लघु उद्योग द्वारा जो भी माल वो बना रहा है अगर वो ख़रीदता है तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मार्केटिंग की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने एम्पोरियम को स्टैब्लिश किया है ताकि इनके माल अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के अंदर भी बिक सके। और जितने भी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है वो भी टाइम टाइम पे क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे इवेंट्स करते रहते हैं, उनमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि आखिर भाई लघु और कुटीर उद्योग जो हैं इनके गुड्स हमें क्यों खरीदने चाहिए, इनके गुड्स खरीदने का क्या फ़ायदा है, और बड़े पैमाने के उद्योग इनके गुड्सों को खरीदे उनको लालच देने के लिए इनको डिस्काउंट वगैरह की फैसिलिटी जो है दी जाती है ताकि इनका माल ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिक सके। इसके अलावा आखिरी जो पॉइंट, आखिरी तो नहीं है, पिछड़े क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने क्या करा, 1 मार्च 1973 से एक कार्यक्रम बनाया जिसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का मतलब होता है बेटा सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी का मतलब होता है सरकार की तरफ से हेल्प। अब वो फाइनेंशियली भी हो सकती है, जो कि स्थिर पूंजी निवेश का 15% या 15 लाख रुपए होगा, जो भी परसेंट हो। मतलब कि सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियली हेल्प होती है उसको सब्सिडी कहते हैं। उसने बोला, एक मिनट रुकिए जरा, उसने बोला स्थिर पूंजी निवेश का 15%। मान लो बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सरकार ने एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम, कि जो इंडस्ट्री है वो बैकवर्ड एरिया के अंदर खुले। मतलब जो लघु उद्योग है, हमने हमने बेटा पढ़ा कि जो लघु उद्योग है वो बेसिकली शहरों में देखने के लिए मिलते हैं और जो कुटीर उद्योग होते हैं वो गांव में देखने के लिए मिलते हैं। तो लघु उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े हुए एरिया के अंदर खुलें, उसके लिए सरकार ने क्या किया, उसके लिए सरकार ने लालच दिया लोगों को कि भाई शहरों में तो खोल ही लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर तू गांव में खोलेगा ना, बैकवर्ड एरिया के अंदर, तो तुझे मिलेगी मेरी तरफ से सब्सिडी।
और सब्सिडी के लिए क्या क्राइटेरिया है, हमने बेटा कल पढ़ा कि लघु उद्योगों के लिए मशीन खरीदनी पड़ती है, मशीन का काम ये करते हैं। मान लो बेटा कोई मशीन जो है, एक मान लो कोई मशीन जो है उसकी कॉस्टिंग मान लेते हैं हम, चलो मान लो 2 करोड़ रुपए है, ठीक है 2 करोड़ रुपए है उस मशीन की कॉस्टिंग, ठीक है जी। तो 3 0 3 0 और 1 0, तो ये इसकी कॉस्टिंग है, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा लघु उद्योगों के लिए कितनी लिमिट है बेटा, 5 करोड़, मैक्सिमम 5 करोड़ है ना लिमिट। तो मान लो कोई मशीन है वो 2 करोड़ रुपए की है, ठीक है। तो 2 करोड़ का पहले हम 15% निकाल लेंगे, 2 करोड़ का 15% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 30 लाख रुपए, ठीक है, कितना आएगा 30 लाख रुपए। तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट, और दूसरा है 15 लाख रुपए, दूसरा है 15 लाख रुपए, ठीक है। 15 लाख तो है ही, बाकी जितने रुपए की आपकी मशीन होगी उसका 15% निकाला जाएगा, और दोनों में से जो भी कम होगा, जैसे अभी दोनों में से कम कौन सा है, दोनों में से कम है 15 लाख, तो सरकार क्या करेगी, इतनी फाइनेंशियली हेल्प उस उद्योग को करेगी अगर वो बैकवर्ड एरिया के अंदर क्या करता है, बैकवर्ड एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करता है। तो कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों की यातायात व्यय में 50% का अनुदान दिया जाएगा। अगर कोई पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्री खोलता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 50% का क्या मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है। ग्रामीण एंड पिछड़े हुए क्षेत्रों में प्राथमिक सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को सुदृढ़ बनाने के लिए 1994 में एक समवर्ती प्राथमिक विकास योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत अब तक 20, ये छोड़ दीजिए यहाँ से, ये बेकार है, यहाँ से आप केवल इतना पढ़ सकते हो, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम। इसके अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सरकार ने बैकवर्ड एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया 1 मार्च 1973 में, कि अगर कोई भी बंदा, लालच दिया कि अगर कोई भी बंदा बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री को खोलेगा तो मैं उसको फाइनेंशियली हेल्प करूँगी, जितनी भी उसके अंदर फिक्स एसेट लग रहा है जितने रुपए का, उसका 15% निकाल लीजिए और 15 लाख रुपए। इन दोनों में से बेटा सिंपल सी बात है, मोस्टली भाई लघु उद्योगों में मैक्सिमम 5 करोड़ है बेटा, ठीक है, मैक्सिमम 5 करोड़। तो बेटा अभी हमने 2 करोड़ का 15 15% निकाला, ठीक है, 2 करोड़ का 15% निकाला, तो सरकार देखो कितनी तेज है, 2 करोड़ का 15% जब निकाला तो कितना आया बेटा, तो आया 30 लाख रुपए, और दूसरी डिजिट क्या है, दूसरी डिजिट है 15 लाख रुपए। तो दोनों में से कम कौन सा होगा, हमेशा बेटा 15 लाख ही होगा। अगर मैं 1 करोड़ का 15% भी निकालूंगा ना तो भी बेटा 15 लाख रुपए ही आएगा, तो कुछ भी कर लो, घिस पिट के 1 करोड़ का 15 निकालोगे तब भी 15 ही आएगा। इसके अलावा 2 3 4 5 करोड़ का 15% निकालोगे तो वो तो बेटा 15 लाख से बहुत ज़्यादा ही आएगा। तो सरकार जो मिनिमम, ये कह सकते हो कि सरकार कितनी फाइनेंशियली हेल्प करेगी, मोस्टली इतने लाख रुपए तक की सरकार फाइनेंशियली हेल्प कर देगी। ये सरकार ने जो इनके लिए स्टेप लिया, और लास्ट जो है इसके अंदर 8वां पॉइंट इसमें है, एक मिनट रुक जाना, ये है खादी एवं ग्रामोद्य आयोग, खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये क्या दिक्कत है, अब इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर सरकार ने क्या किया है, कह रहा है सरकार ने कुटीर और ग्रामोद्य उद्योगों के विकास के लिए ये उद्योगों की स्थापना की है। ये क्या करेंगे, यह आयोग खादी, अनाज, दालें, तेल, देशी गुड़, ताड़ क्यों भैया, क्या क्या है यार, गुड़, साबुन, मधुमक्खी, मिट्टी, चीनी के बर्तन बनाना, गोबर गैस, बढ़ई, लोहार से संबंधित उद्योगों का विकास करना है। ये यहाँ पे पढ़ लीजिएगा बेटा, यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अनाज, दालें, तेल, खादी, गुड़, मधुमक्खी पालना, साबुन, गुड़, कागज, मिट्टी, चीनी के बर्तन,
कोई भी उद्योग जो इन सब इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, इन सब से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना की गई है। तो ये जो 9 स्टेप हैं ये सरकार ने लिए हैं लघु और कुटीर उद्योगों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है, सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है, अगर ये आ जाए तो ये सुझाव अगर पूछे तो ये लिखने हैं। जो हमने कल पढ़े थे ना सुझाव, वो वाले सुझाव जो है नहीं लिखने, वो तो नॉर्मल है। अगर वो केवल ऐसे बोलता है लघु उद्योग क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं और उनको दूर करने के सुझाव बताओ, उन्हें सरकार वाले नहीं पूछे, तो अगर सरकार वाले उन्हें नहीं पूछे तो तब तो आप जो है तब तो आप वही वाले लिख देंगे जो हमने कल पढ़े थे, वही 6-7 जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अदरवाइज़ आप जो है अगर सरकार के पूछ रहा है तो फिर ये सरकार वाले ही जो हैं हमको जो है लिखने पड़ेंगे।